हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो, जिसमें से हम अपना पूरा ओवरव्यू दिखाएंगे, सारा रेंज दिखाएंगे। ये हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टायर चेंजर से। ये टायर चेंजर जो अपने पास है, ये 24 इंच का है, इसमें 22 इंच का भी आता है। और ये टायर चेंजर का टायर इन्फ्लेटर है, इसमें हवा डालते भी हैं और उससे हवा चेक भी होता है। इसके बाद इसमें एक लीवर आता है, लीवर के साथ में ये यहाँ पे इसके पैंडल हैं, इससे हम अब ऑपरेट करते हैं टायर चेंजर को। इसको अब यूज करके दिखाते हैं आप लोगों को। अब देखो, इसमें इसका बीट तोड़ते हैं पहले। ये देखो, आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे बीट तोड़ते हैं। इसके बाद इसको उठा के ऊपर जॉ में रख के इसका रिम से टायर को बाहर निकालते हैं। ये देखो, आप देख रहे हो, ये इसमें लीवर लगा के एक साइड से ओपन कर लेते हैं, फिर ये गोल गोल घूमता रहता है, जिससे आप इसको ओपन कर सकते हैं अपना आराम से। दोस्तों, जो 24 इंच का टायर चेंजर है, इसका प्राइस 85,000 रुपये हम लोग बेचते हैं। लेकिन जो हमारे YouTube की फैमिली है, जो हमारे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वो YouTube के थ्रू आएगा, तो उसके लिए हम 5,000 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट रखे हुए हैं। तो वो YouTube फैमिली वालों को 80,000 रुपये में पड़ेगा। बाकी जो हम हमारा प्राइस है वो 85,000 रुपये रहता है। इसके बाद ये 24 इंच का है, इसमें एक 22 इंच का आता है, 22 इंच का 75,000 रुपये का बेचते हैं हम लोग। जो हमारा YouTube के थ्रू आएगा उसके लिए 70,000 पड़ेगा ये। चलो दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये अपने पास इनको का कट ऑफ सा मशीन है, ये अपने पास बॉस का कट ऑफ सा मशीन है। इसके अलावा अपने पास स्टैनली का, डिवाल्ट का, ये सब अवेलेबल रहेगा। बाकी आप जो बोलोगे वो भी अपने पास मिलेगा। इसके बाद ये आता है अपने पास न्यूमेटिक बैलून जैक, 3 टन का इसका कैपेसिटी रहता है। ये अपना एयर से चलता है, इसमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। यहाँ पे अपना एयर इनलेट है, आउटलेट है, यहाँ से लगाएंगे, चलाएंगे इसको। इसको अब दोस्तों इसको यूज करके दिखाते हैं आपको। ये देखो, इसमें पाइप लगा हुआ है, यहाँ से ऑन करेंगे तो इसका ये ऊपर उठाएगा कार को। ये देखो, आप देख सकते हो ये उठा रहा है ऊपर। अब इसको रिलीज कर देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ये दोस्तों बहुत लो मेंटेनेंस जैक रहता है, इसमें कोई मेंटेनेंस रहता है, ना ऑयल लगता है ना कुछ लगता है इस पे। इसका जो हाइट है मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है इसका। और इसका जो कैपेसिटी है 3,000 kg है, इसका वेट 18 kg है। फिर इसके बाद अपना आता है ये हाइड्रोलिक प्रेस आता है, 30,000 रुपये का, इसका कैपेसिटी 30 टन है। इसके बाद अपने पास ये हाइड्रोलिक जैक भी आते हैं 3 टन वाले, ये एक अपने पास वर्मा कंपनी का है, इसमें 2 टन, 2.5 टन, 3 टन का आता है। इसमें एक ये है SS कंपनी का, ये 3 टन का है। इसमें अपने पास ब्लू पॉइंट का है 3.5 टन का, और डबल सिलेंडर वाला उसके पास दूसरा भी है अपने पास। ये अपने पास आते हैं, ये है सिकंजा। सिकंजा 3 साइज में आते हैं अपने पास, एक मीडियम, एक छोटा, एक बड़ा। इसको हम लोग बॉडी के लिए काम करते हैं। उसके पास ये वाले भी जैक हैं अपने पास जो रखे हुए हैं, ये एक बॉटल जैक है, हाइड्रोलिक जैक है। ये सब 100 टन, 50 टन जो भी रहेगा ये सब अपने पास मिलता है। इसके बाद अपना ये इंको कंपनी का पूरा टूल्स है अपने पास, पावर टूल्स आता है इंको कंपनी का। जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो सब अपने पास अवेलेबल रहता है। ये आता है ऑटो एयर कंप्रेसर, जिससे रास्ते में हवा गाड़ी का निकल जाता है, पंचर हो जाता है, तो इस पे हम लोग रखते हैं। तो इस पे जहाँ पे हम लगाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, या अपने बैटरी से उससे यूज कर सकते हैं, अपना हवा डाल सकते हैं। उसके बाद ये आता है इंपैक्ट रिंच, आता है बैटरी वाला कॉर्डलेस इंपैक्ट रिंच आता है। इसमें 2 बैटरी, एक फास्ट चार्जर रहता है। उसके पास ये अपना ड्रिल है, ये सेंडर है इसका, इलेक्ट्रिक सेंडर है और एयर वाला सेंडर, दोनों सेंडर है, 5 इंची, 6 इंची। ये स्क्रू ड्राइवर है, ये ड्रिल है। ये दोस्तों अपने पास जो एयर वाला सेंडर भी आता है और इलेक्ट्रिक सेंडर भी आता है, 5 इंच का, 6 इंच का, 4 इंच का, जो भी रहेगा रिक्वायरमेंट आपकी उस हिसाब से हमारे पास रहता है। उसके पास ये आता है डाई ग्राइंडर, आता है मिनी डाई ग्राइंडर, जो कहीं भी छोटा छोटा इसमें वो रहता है पॉलिश वॉलिश करने के लिए। ये इनको का हो गया दोस्तों। इसके बाद हम अपना दिखाएंगे आपको याटो कंपनी का जो प्रोडक्ट है अपने पास, याटो कंपनी का। ये देखो, ये हीट गन आएगी 2000 वाट की। और इसके बाद फिर अपना ये जंप स्टार्टर आता है, ये इसका टूल्स है, ये सारे जो लगे हुए हैं आपके सामने। ये केकड़ा वाला फिल्टर पाना है, ये इसका स्क्रू ड्राइवर है कॉर्डलेस वाला, ये सैंडर है छोटा सा, इसमें ये ट्रिम रिमूवल है। उसके बाद ये फिल्टर पाना आएंगे, ये डैशबोर्ड ओपन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, जिसमें डैशबोर्ड में स्क्रेच स्क्रेच ना लगे, उसलिए ये रहता है। ये इसका आता है टायर इन्फ्लेटर, आता है मैनुअल वाला, इसमें हवा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये भी लगता है। ये अपने पास ये क्लैंप आता है अपने पास बॉडी शॉप वालों के लिए, 3 टन का कैपेसिटी रहता है। इसमें और भी जो दूसरे क्लैंप आते हैं वो भी अपने पास अवेलेबल हैं। उसके बाद ये केबल आता है जंप केबल, ये अपने पास सारी रेंज में। हथौड़ी है,
इस प्लास्टिक हैंडल में और लकड़ी वाले में एक ये डॉली सेट आता है याटो कंपनी का, ये याटो कंपनी का पॉलिशर है, ये सारे ये याटो कंपनी का एयर सॉ है जो एयर से चलता है बॉडी वॉडी काटने के लिए। उसके बाद ये अपना आता है कंप्रेशन टेस्टर आता है, डीजल वाला पेट्रोल वाला दोनों मिलता है। ये हेडलाइट हेडलाइट है अपने सर पे लगा के रात में काम करने के लिए आता है। इसके बाद अपना दोस्तों हम दिखाते हैं आपको इधर ये जैक रखे हुए हैं अपने चेंचिस, चेंचिस जैक रखे हुए हैं 2 फुट 3 फुट 2.5 फुट, ये अपना आता है। उसके बाद अपना ये ग्रीस पंप है, ये इनको का पेंट गन है, ये छोटा सा कंप्रेसर आता है दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहता है ये, जैसे अपना पेंट वेंट करना रहता है किसी को तो ये छोटा का उसमें हवा भी डाल सकता है बाइक में कार में तो हवा भी पड़ जाती है, इसे पेंट भी कर सकता है। उसके बाद ये अपने पास कार्चर का आएगा K2 350, ये कार वॉशर है डोमेस्टिक के लिए है, 2-3-4 गाड़ी के लिए है। उसके नीचे ये K1 आता है, ये भी डोमेस्टिक के लिए 1-2 गाड़ी के लिए है। ये अपना डेंट कूलर है, ये भी पैक रखा हुआ है, ये अपना सारे कॉइल ट्यूब है जो रहता है। ये दोस्तों अपने पास आती है 1 इंच वाली इम्पैक्ट इंच जो स्टैनली कंपनी की है, ये बहुत ही इसका वेट बहुत कम है और इसका टॉर्क बहुत ज्यादा है, जिससे अभी 21 kg वाली चलती है उनसे बहुत बढ़िया रहता है ये कंपनी वाला। इसमें अपने पास ब्लू पॉइंट का आता है, उसका प्राइस 65,000 रहता है। तो ये जो दोस्तों स्टैनली कंपनी का 1 इंच का इम्पैक्ट इंच है ये अपने पास ओनली 30,000 रुपये में आपको मिलेगा, और इसमें 1 साल की वारंटी भी रहती है और इसका वेट बहुत कम रहता है, 14 kg का वेट है इसका, काम इसका बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद अपना दोस्तों ये आता है एसी कंप्रेसर, गोदरेज कंपनी का है जो हम लोग एसी सी डालते हैं कार में तो उसके लिए यूज में आता है। उसके बाद ये अपना डेंट कूलर आता है, डेंट कूलर ये बहुत ही किफायती रेंज है इसका, 35,000 रुपये है इसका प्राइस डेंट कूलर का। इसमें अपने पास बड़ा वाला भी है जो वहां पे पैक रखा हुआ है, वो 45,000 रुपये का है। इसमें 55 का भी है अपने पास, 65,000 रुपये का भी है अपने पास, डिजिटल वाला भी है। ये दोस्तों जो अपने पास डेंट कूलर है इसका पिछला वीडियो आपको उसमें लिंक में मिल जाएगा, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में पूरा रेंज दिखाया गया है जितने अपने पास डेंट कूलर है। उसके बाद अपना दोस्तों ये आता है बॉडी रिपेयर जैक जो 4 टन का और 10 टन का दोनों अपने पास रहता है। ये देखो ये इसका भी वीडियो है यूट्यूब में पड़ा हुआ है, इसको भी हम लोगों ने दिखाया है पहले। ये देखो दोस्तों ये 4 टन का कैपेसिटी वाला है, इसमें अपने पास 10 टन का भी ये नीचे रखा हुआ है वो पैक है, तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, लिंक आप उसको भी देख सकते हैं। ये टोरिन कंपनी का है जिसमें 1 साल की वारंटी रहती है। इसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाएंगे ये सारा अपने पास रहता है जो लगा हुआ है डिस्प्ले में, ये अपना सारा डिस्प्ले है पूरा, और ये सारी गोटियां हैं अपने पास, सॉकेट है, इसमें अपने पास सॉकेट सेट भी मिल जाएंगे, ये खुले में रहता है। ये एसी के कपलर है, इम्पैक्ट स्क्रू ड्राइवर है ये। उसके पास दोस्तों ये अपने पास आता है टॉर्क रिंच, ये 3/8 का है, 1/2 इंच का है, दोनों का मिल जाएगा, जितना भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से ये अपने पास टॉर्क रिंच आता है। उसके बाद ये अपना दोस्तों हैंड ब्लॉक आता है जो सैंडिंग करने के लिए रहता है, हाथ से जो अपना काम करते हैं घिसते हैं उसके लिए रहता है। तो दोस्तों ये अपना डिस्प्ले आप लोगों ने देख लिया, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इंजन क्रेन जो कार का इंजन निकालने के लिए रहता है, कार का ट्रक का जेसीबी का किसी का भी हम लोग इंजन निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये 2 टन का इसका कैपेसिटी रहता है, इसको देखो दोस्तों यूज करके दिखाते हैं, इंजन क्रेन 2 टन का कैपेसिटी है। ये देखो कार से इंजन निकाल लिया है और इसको मूव भी कर रहे हैं चारों तरफ, कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखो अब इसको दोस्तों नीचे उतारेंगे हम लोग, ये रिलीज करेंगे इसका। दोस्तों इसका जो प्राइस है प्राइस बहुत बढ़िया है, जो हम लोग बेचते हैं वो 15,000 रुपये में आपको देंगे यूट्यूब वालों को, बाकी जो हमारा कस्टमर रेट रहता है वो 20,000 रुपये रहता है। अब देखो दोस्तों इसको ऊपर उठा रहे हैं इंजन क्रेन में लगा के। ये देखो दोस्तों जो ये व्हाइट कलर का रखा हुआ है ये इंजन स्टैंड है, इसमें इंजन निकालने के बाद इसमें बांध के वर्क कर सकते हैं आसानी से, ये मूव होता रहता है गोल गोल घूमता रहता है। इसके बाद हम लोग एक और दिखाते हैं आपको, ये टायर चेंजर है मैनुअल वाला, छोटा सा टायर चेंजर है ये आता है। ये देखो दोस्तों इसको यूज करके दिखाते हैं मैनुअल टायर चेंजर को, ये आप देख सकते हो इस पे कैसे इसका बीट तोड़ते हैं, पहले सबसे पहले इसका बीट तोड़ते हैं चारों तरफ घुमा के इसको दोनों तरफ से, और फिर इसमें पेस्ट लगाते हैं, पेस्ट लगाने के बाद फिर इसको ऊपर रखते हैं और फिर इसका रिम से टायर को खोलते हैं। इसका जो दोस्तों प्राइस है वो 6,500 रुपये प्राइस है। ये देखो दोस्तों ये इसने अपने खोल दिया, अब इसको ऊपर दोबारा फिट करेगा फिर से वैसे ही, तो इसमें दोनों काम भी हो जाएगा आसानी से, काम हो जाता है कम बजट वालों के लिए कम प्राइस में। इसमें से एक और मीडियम क्वालिटी में आता है टायर चेंजर,
ये देखो दोस्तों, दूसरा मैनुअल टायर चेंजर आप लोगों के लिए आ गया। ये एयर से चलता है, पिछले वाले में एयर नहीं लग रही थी, उसमें कुछ नहीं लग रहा था, इसमें न्यूमेटिक सिलेंडर लगा हुआ है, एयर लगा हुआ है। ये देखो टायर को कैसे इसमें बीट तोड़ते हैं, इसका पहले एयर सिलेंडर से इसका ये एयर चालू करेंगे, ये ऊपर नीचे होता है जिसमें इसका बीट तोड़ देगा। फिर उसके ऊपर इसको में रखते हैं, इसको गोल गोल घुमा के इसका टायर खोलते हैं रिंग से। और दोस्तों इसका जो प्राइस है वो दोस्तों 12,000 रुपये है ओनली, यूट्यूब वालों के लिए सिर्फ 12,000 रुपये इसका जो प्राइस है। फिर उसके बाद एक ये आता है ट्रक का टायर का बीड तोड़ने का आता है, ये भी रहता है अपने पास। इसमें से एक और आता है ठोक के टायर वो बीड तोड़ते हैं, वो भी अपने पास मिल जाएगा। ये दोस्तों ये 1 इंच वाली इंपैक्ट इंच का स्टैंड है दोस्तों, ये इसको देखो, यहाँ पे 1 इंच वाली जो इंपैक्ट इंच रहती है, गन रहती है, उसको यहाँ पे हम लोग लटका देते हैं जिसमें से टांग देते हैं और इसको बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। ये इंपैक्ट इंच वजन बहुत रहती है जिससे हम लोग काम नहीं कर पाते अच्छे से, तो इसके लिए ये स्टैंड बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम लोग दोस्तों चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, दिखाते हैं हम आपको कार वॉशर। जो ये बिटली का कार वॉशर रखा हुआ है यहाँ पे, ये बिटली का कार वॉशर है, इसका फोटो दे। और ये 4 HP का कार वॉशर है, इसका जो प्रेशर है 220 है, मैक्सिमम प्रेशर 220 बार है। और इसमें पाइप मिलता है, साथ में गन रहता है, नोजल रहता है, फॉर्म बॉटल इसमें अलग से आती है। इसके बाद ये अपना कंप्रेसर है 1 HP का, 300 पाउंड का, इसमें अपने पास 200 पाउंड, 250 पाउंड, 300 पाउंड, 400 पाउंड सब मिल जाएगा। उसके बाद ये अपना स्टैनली का ये पावर टूल्स है, जो है ग्राइंडर है, ड्रिल है, ये डिवाल्ट का अपने पास पॉलिशर है, याटो का पॉलिशर है। उसके बाद हम लोग अपना ये कार्शर का देखते हैं, हम लोग कार्शर में ये अपना वैक्यूम क्लीनर है कार्शर का, और ये भी वैक्यूम है, ये प्लास्टिक बॉडी है, ये स्टील बॉडी है, ये कार वॉशर है कार्शर का, ये फॉर्म बॉटल है जिसमें हम लोग एयर से काम करते हैं, जिनके पास मशीन नहीं रहती है वो एयर से फॉर्मिंग करता है अपने कार में। ये फॉस्टी क्लीनर है कार्शर का, ये बहुत ही बढ़िया काम में आता है, अपना जैसे सोफा क्लीन करना या कार का रूफ क्लीन करना है, और सीट क्लीन करना है, घर का कोई क्लीन करना है, मैट क्लीन करना है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसका वीडियो अलग से है, उसको भी बनाएंगे हम लोग। उसके बाद ये 3 टन का जैक स्टैंड है ब्लू पॉइंट का अपने पास, इसमें रीगल का भी है जैक स्टैंड। फिर ये अपना पॉलिश, शैम्पू पॉलिश, डैशबोर्ड पॉलिश, टायर पॉलिश, ये सब अपने पास रहता है, 3M का भी, मैजिक का हम लोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है अपने पास सिंगल डिस्क मशीन, जो फ्लोर क्लीन करती है, जो बड़ा बड़ा एरिया रहता है वहाँ पे हाथ से काम करने में लोग थक जाते हैं, वर्कर भी ज़्यादा लगते हैं, उसलिए ये काम में आता है, बहुत बढ़िया काम करता है, ये पूरा क्लीन करता है। उसके बाद ये अपने सारे इधर बैटरी चार्जर लगे हुए हैं, बैटरी चार्जर, एक बैटरी, दो बैटरी, कार का, बाइक का, सबका अपने पास बैटरी चार्जर मिल जाएगा। ऊपर ये वेल्डिंग मशीन रखी हुई है अपने पास, वेल्डिंग मशीन भी रहती है अपने पास। ये अपने पास एक आता है फाइबर वेल्डिंग मशीन आती है ये दोस्तों, ये भी अपने जो है ये डेंट पुलर है, ये भी पैक है और एक ओपन किए हुए हैं। ये अपने पास जो आती है ये फाइबर वेल्डिंग मशीन आती है, ये हम लोग जो बम्फर रिपेयरिंग करते हैं ना, बम्फर रिपेयरिंग करते हैं कार का, तो इसी से करते हैं। इसमें यहाँ पे एयर लगती है, यहाँ से इसको टेम्परेचर कम ज़्यादा करके मैनेज करते हैं। यहाँ पे इसका ये नोजल लगता है, नोजल भी है अपने पास, इससे बहुत आसानी से काम होता है। हम लोग हीट गन रखते हैं, हीट गन में इतना अच्छा काम नहीं होता, इसमें वायर भी लगता है, ये वाला वायर लगता है, इसमें वाइट वायर आता है, इसमें ब्लैक वायर आता है, जो भी चाहिए आपको वो भी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये अपने पास एक और डेंट पूलर है, ये डिजिटल वाला डेंट पूलर रखा हुआ है, ये दिखा दो उसको, ये डिजिटल वाला डेंट पूलर है अपने पास, ये 65,000 रुपये का है ओनली। उसके बाद ये अपना ये आता है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, जो भी नया मार्केट में आया हुआ है, इसका नेक्स्ट वीडियो में पूरा बता के दिखा के आपको पूरा वीडियो बनाएंगे इसका। इसके बाद ये अपने 25 KG का वैक्यूम क्लीनर है, ये 30 KG का, 30 लीटर का वैक्यूम क्लीनर है, ये 25 लीटर का वैक्यूम क्लीनर है, 18 लीटर का है, 15 लीटर का है, ये कार्शर का है। इसके बाद अपने पास लोकल में भी है, ये अपना AC कैन है अपने पास, और ये डाई ग्राइंडर है, ये अपने पास डाई ग्राइंडर रहता है। उसके बाद ये अपने पास पेंट गन रहती है, पेंट गन ये SF की है, स्प्रे फाइन की है, ये सुपर ऑटो की है, ये डिविल्सन की है इसमें से, और अपने पास ब्रांड में है डिविल्स की है, साटा की है, वो भी है अपने पास। और ये फिर अपने पास ये सॉकेट सेट भी आते हैं हमारे पास, सॉकेट सेट ये सस्ते वाले में रहता है। फिर उसके बाद ये ब्लू पॉइंट का आता है, इसमें लाइफ टाइम वारंटी रहती है ब्लू पॉइंट वाले सॉकेट सेट में, ये 1/2 इंच का आता है, ये 1/4 का आता है, और एक सेट ये आता है, ये होममेड रहता है जिसको ज़रूरत रहती है। ये दोस्तों अपना हैंड टूल्स का पूरा रैक बना हुआ है, इसमें ये फिट पाना, रिंग पाना, कम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर
और ये टीपाना, इसके बाद ये पाइप रिंच, ये सारे अपने पास, ये रैचेट हैं ये अपने पास, हाफ इंच में, 1/4 में, स्टैनली का, लोकल में, डुप्लीकेट में, ये सब अपने पास मिल जाएगा। बाकी फिर ये अपने पास आते हैं स्पेशल टूल्स आते हैं, ये हर गाड़ी के, बाइक का, कार का, उसके बाद इसमें भी है अपना, ये स्पेशल टूल्स आते हैं, ये इस टाइप के मैग्नेट पुलर हैं, ये सारे पुलर हैं अपने पास, ये आते हैं अपने पास, स्टेयरिंग पुलर भी है अपने पास आता है, ये हब पुलर है, ये सारे अपने पास पुलर ये आते हैं अपना, डेंटिंग थप्पा बोलते हैं इसको, ये आते हैं अपने पास, हर तरीके के रहते हैं ये, जैसे ये आता है, ये इस तरीके के सारे, ये भी अपने पास अवेलेबल रहते हैं। ये देखो दोस्तों, ये 250 एम्पियर की मेग वेल्डिंग है, ट्रांसफार्मर वाली मेग वेल्डिंग, इसका जो प्राइस है दोस्तों ये 64,000 है, और ये मेक है जो वो चिप्स इंडिया मेक है, अपना मैन्युफैक्चरिंग है डेंट पुलर और मेग वेल्डिंग का। ये दोस्तों ये बहुत हैवी ड्यूटी मशीन है, लगातार दिन भर वर्क करने वाली मशीन है, एक साल की इसमें वारंटी रहती है, और इसका पूरा स्पेयर पार्ट्स अपने पास रहता है। तो दोस्तों मैंने अपना पूरा ये डिस्प्ले आप लोगों को दिखाया है, तो इसमें सारा मशीनें अपने पास अवेलेबल रहती हैं, इसका स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल रहता है, इसमें ज़्यादातर हम लोग वारंटी देते हैं, रिपेयरेबल जो मशीनें रहती हैं वही हम लोग सेल करते हैं कस्टमर को। तो दोस्तों जो वीडियो आप लोगों को चाहिए होगा वो कमेंट में हमें, कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट करके कि इस प्रोडक्ट में वीडियो बनाइए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आप सबका।